हेलो गाइस, हाउ आर यू? यू आर मोस्ट वेलकम इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग. गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिफ्थ मॉड्यूल ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज रेडिएशन. बेसिकली इट्स अ वेटेज इज अराउंड 15 टू 20 मार्क्स. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन में भी यहाँ पे 4 to 5 मार्क्स का थ्योरी आता है, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा शॉर्ट एंड स्पीड डेफिनेशन है, छोटे लॉज है, आपको पक्का देखना है. मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन तो पहले से शेयर कर चुका हूँ. सो वो बेसिकली आपको करके जाना है. और इसके ऊपर न्यूमेरिकल से गाइस, इसके न्यूमेरिकल से काफी स्मॉल एक फॉर्मूला है. आपको एक फॉर्मूला को आपको रट्टा मारना है, उसको समझना है, उसको यूज करना है. अराउंड 10 to 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल यूज सॉल्व हो जाएगा. ओके, सो मैंने अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे रेडिएशन तक पहुंचते नहीं है. वो पहले ही इतना उलझ जाते हैं कि उनको रेडिएशन स्किप करते हैं. बट आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है. आज के दिन आप रेडिएशन को इतना स्ट्रांग बना दो कि आपका ये स्ट्रेंथ बन जाएगा. ओके, और एग्जाम के 2 दिन पहले उसको थोड़ा सा एक बार देख लो. इनफ है. एग्जाम के 1 दिन पहले सिर्फ फॉर्मूला देखना है, बाकी न्यूमेरिकल की तरफ देखना भी नहीं है. ओके, तो काफी सिंपल है ये मॉडल. चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है आपको एग्जैक्टली. सो लेट्स सी. रेडिएशन, बेसिकली रेडिएशन, अगर आपको याद होगा मॉडल नंबर 1, जहाँ पे मैंने कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन क्या होता है एक्सप्लेन किया था. तो रेडिएशन ये कंडक्शन और कन्वेक्शन से अलग इसलिए है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरी नहीं है. रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल है अपना सन, सूरज. There is a no requirement of temperature difference. There is a no requirement of delta T. There is a no requirement of any particular medium. क्योंकि sunlight है, okay? Sunlight को आप थोड़ा सा observe करो. क्या वहाँ पे temperature difference की requirement जरूरी है? क्योंकि sun का already temperature high है, तो क्या वो सोचेगा कि भाई नीचे जरूरत है कि नहीं है? तभी मेरा sunlight travel होगा. बिल्कुल नहीं. So there is a no requirement of delta T. There is a no requirement of temperature difference. Second. Sunlight radiation can be traveled through medium also as well as through vacuum also. Therefore, it is a different thing. Okay, so let's see. सबसे पहले यहाँ पे shed factor, जो कि काफी काम की चीज है हमारे लिए. Okay, shed factor. Guys, यहाँ पे हमेशा एक चीज याद रखना, जिसका temperature high है, यहाँ पे जिसका temperature high है उसको आप T1 बोलोगे, और जिसका टेम्परेचर लो है उसको आप T2 बोलोगे. T1 फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर, T2 फॉर मिनिमम टेम्परेचर. ओके, यहाँ पे गलती मत करना. तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 कौन होगा? जिसका टेम्परेचर हाई होगा. ऑब्जेक्ट नंबर 2 कौन होगा? जिसका टेम्परेचर लो होगा. सो बेसिकली यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है. आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करें. यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? तो सबसे पहले प्लेट का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ सरफेस मैंने बोला है. फिर बीच में है स्पेस, तो उसका रेजिस्टेंस. थर्ड वन वहां पे अगेन प्लेट 2 का सरफेस है, तो उसका रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए? 2 सरफेस का रेजिस्टेंस और 1 स्पेस का रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे ऑलवेज कंसीडर द मैक्सिमम टेम्परेचर बॉडी नंबर बॉडी एज अ 1, ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया. फिर आर सरफेस, जैसे कि हमने कंडक्शन में देखा था कि प्लेन वॉल का फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टेंस है डेल्टा अपॉन के क्रॉस सेक्शनल एरिया, के ए सी. ओके, स्पीयर का अलग था, सिलेंडर का अलग था, ln of r2 by r1 2 pi kl. स्पीयर क्या था? r2 minus r1 upon 4 pi k r1 into r2. फिर पेंट हो, कोई फ्लूड हो, फिर कोई एयर हो, फिर कोई गैस हो, तो उसका रेजिस्टेंस था 1 upon hn. तो यहाँ का भी अपना एक फॉर्मूला है रेडिएशन का. तो रेडिएशन का चैप्टर आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? जब आपको इसका एमिसिविटी गिवन रहेगा. एमिसिविटी इट इज इट इंडिकेटेड बाय दिस एप्सिलॉन. तो एप्सिलॉन अगर आपको दिखा, एमिसिविटी ये वर्ड वहां पे यूज हुआ न्यूमेरिकल में, तो आपको समझ जाना है कि मुझे रेडिएशन के बारे में पूछ रहे. तो रेजिस्टेंस ऑफ सरफेस कहाँ से आएगा? तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन a1 एप्सिलॉन 1. ओके, तो एप्सिलॉन होता क्या? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम. तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वहां से रेडिएट होती है, तो वो होता है एप्सिलॉन. दैट इज एमिसिविटी, वो उसकी कैपेसिटी होती है. तो ये फॉर्मूला. और A1 फॉर मतलब जहां से वो एरिया से वो एनर्जी क्या हो रही है? रेडिएट हो रही है. तो A1 एप्सिलॉन 1. सेम आर सरफेस 2, 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन A2 एप्सिलॉन 2.
और बीच में क्या स्पेस है, तो स्पेस को हम क्या बोलते थे, वन अपॉन एच ए, वन अपॉन एच ए, पर यहाँ पे एच ए नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे एक शेप फैक्टर यूज करेंगे, वन अपॉन। अगर मैं सोचता हूँ कि एनर्जी कहाँ से ट्रेवल हो रही है, टी वन टू टी टू, तो मैं यूज कर सकता हूँ वन अपॉन एफ वन टू टू। वन टू इंडिकेट्स एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम वन टू टू ए वन, फ्रॉम विच सरफेस ए वन। ओके, तो एफ वन टू टू और फ्रॉम विच सरफेस इट इज रेडिएटेड, दैट इज ए वन। सिमिलरली अगर देखो गाइज, यहाँ पे एक चीज एक और मुझे आपके साथ शेयर करनी है, जिस बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस है वो हर एक बॉडी रेडिएशन क्रिएट करेगी, वो हर एक बॉडी रेडिएशन क्रिएट करेगी। जैसे कि अभी आपके दिमाग में चालू है कि T1 का टेम्परेचर मैक्सिमम है, T2 का टेम्परेचर मिनिमम है, तो यहाँ पे हीट ट्रेवल हो रही है, यहाँ पे रेडिएशन क्रिएट हो रहा है फ्रॉम T1 टू T2। ओके, बट दिस इज अ 50% ट्रूथ, क्योंकि T2 का भी टेम्परेचर अगर मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो भी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो यहाँ से भी कुछ एनर्जी ट्रेवल करेगी और ये T1 के सरफेस के साथ वहां पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। तो हीट एक्सचेंज दोनों के बीच में हो रहा है, दोनों भी हीट को रेडिएट कर रहे हैं, दोनों भी हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो देयर फोर सो सेकेंड बॉडी विल ऑल्सो रेडिएट द एनर्जी। सो वन अपॉन एफ टू टू वन, एफ टू टू वन फ्रॉम दिस सरफेस ए टू सरफेस, गॉट इट। तो यहाँ पे दोनों बॉडीज क्या करेगी, आपस में हीट एक्सचेंज करेगी, गॉट इट। और फिर बाय शेप फैक्टर यहाँ पे है एफ वन वन प्लस एफ वन टू इज इक्वल टू वन, एफ वन 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 टू इज इक्वल टू वन। ये क्या इंडिकेट करता है, वन टू वन मीन्स, जस्ट वेट मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे तो बेटर समझ में आएगा। ओके, सो गाइस यहाँ पे बॉडी ऑब्जेक्ट वन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगा और वो खुद के साथ भी क्या करेगा, हो सकता है वो स्ट्राइक करेगा खुद ही के साथ, बॉडी के साथ। ओके, और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल स्ट्राइक टू बॉडी नंबर टू। सो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वन था और ये वन के साथ स्ट्राइक हुआ, ये ऑब्जेक्ट नंबर क्या है, टू है। तो यहाँ पे एफ वन वन मतलब कुछ परसेंटेज वन टू वन ट्रेवल होगा, प्लस सम फ्रैक्शन वो कहाँ पे ट्रेवल करेगा, वन टू टू ट्रेवल करेगा। अगर मैं इन दोनों का फ्रैक्शन का एडिशन करता तो वो 100% मीन्स वन आएगा, गॉट इट। तो एफ वन टू वन और सम अमाउंट एफ वन टू टू अगर मैं एडिशन करता तो मुझे 100% एनर्जी मीन्स वन मिलेगा। सिमिलरली एफ ये ऑब्जेक्ट नंबर टू भी क्या करेगा, रेडिएशन क्रिएट करेगा, वो उसका हो सकता है खुद के साथ स्ट्राइक करेगा और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ओके, सो एफ टू टू और एफ टू वन प्लस एफ टू टू भी क्या रहेगा, वन रहेगा। सो गाइस ये काम की चीज, ये फॉर्मूलाज काम की चीज है। ओके, सो मैंने आपके साथ फॉर्मूला तो समझ के आ गए हो गए, अब इसका काम कैसे होता है वो देखते हैं नीचे। By reciprocating theorem, अभी हमने देखा शेप फैक्टर, अभी हम देख रहे हैं reciprocating theorem. Reciprocating theorem होता क्या है? आपको याद होगा तो Q is equal to क्या था? dT upon RT. Okay, this is a general formula of the heat. तो यहाँ पे temperature difference. Okay, first lecture में हमने देखा था Stefan Boltzmann law. क्या था Stefan Boltzmann law? Q is equal to sigma V A T raise to 4. Okay, और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, दैट इज अ 5.67 into 10 raise to minus 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन raise to 4. तो ये इसका यूनिट था। सो गाइस, सो ये फॉर्मूला यही है, dT सिग्मा सिग्मा T raise to 4 T1 raise to 4 minus T2 raise to 4. ओके, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, जैसे कि मैंने इनिशियली आपके साथ डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस भी होना जरूरी नहीं है, बट ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल लकीली अपने एग्जाम में नहीं आता है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही बॉडी दिया है और आपको बोला है रेडिएशन निकालो, नहीं ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अलग अलग शेप्स यूज करेंगे, आपको दो दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे और आपको वहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट निकालना है।
ओके सो हम बात करेंगे धरती पे क्या होता है, ना कि आसमान में क्या होता है। तो यहाँ पे T1 और T2 प्रेजेंट रहेगा, तो सिग्मा T^4, T1^4 माइनस T2^4, और नीचे का RT, मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस। ओके तो सबसे पहले सरफेस का रेजिस्टेंस 1 माइनस एप्सिलॉन 1 A1 एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन HF। तो गाइज यहाँ पे ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसमें सब कोई भी यूज कर सकते हो, 1 अपॉन F1 टू A1 या तो फिर F21 टू A2, तो इसमें सब कोई भी यूज कर सकते हो, प्लस सेकेंड सरफेस का रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला में आपको क्या करना है, यहाँ से A1 कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर से A1 कॉमन लेना है। अभी यहाँ पे तो A1 तो प्रेजेंट है नहीं है, तो यहाँ पे A1 से मल्टीप्लाई करना है और तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई A1 करना है। सो A1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर में, सो यू विल गेट सिग्मा A1 T1^4 माइनस T2^4। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1 प्लस, यहाँ का तो A1 ऑलरेडी जा चुका है, सो बचेगा क्या, 1 अपॉन F1 2। यहाँ पे A1 नहीं था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो यहाँ का A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, गॉट इट। तो ये फॉर्मूला में सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशंस ये है, इफ द ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट्स आपको मेंशन करेंगे। सपोज इफ द ऑब्जेक्ट 1 इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट 2। जैसे कि एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एक रॉड है जिसका टेम्परेचर काफी हाई है, और इसको एक रूम या तो फिर एक चेम्बर में क्या किया है, एनक्लोज किया है, बंद किया है, और वहां पे क्या हो रहा है, रॉड से हीट एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ, रूम के साथ। तो एज कम्पेयर टू रूम, रॉड जो रहेगा उसका एरिया जो रहेगा वो काफी स्मॉल है, एज कम्पेयर टू रूम रॉड का एरिया काफी स्मॉल रहेगा। सो वहां पे अगर मैं रेशो की बात करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट 1 जिसका टेम्परेचर हाई है, ऑब्जेक्ट 2 मतलब रूम जिसका टेम्परेचर लो है, तो उनका रेशो बनता ही नहीं है। तो वहां पे आपको क्या लेना है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू 0। तो जिसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो ये टर्म पूरा क्या 0 हो जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्मूला और सिंप्लीफाई हो जाएगा। सेकेंड, इफ द ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 आर द बोथ पैरेलल सरफेस, जैसे कि ये डायग्राम है, यहाँ पे ये क्या है, दीज आर दी पैरेलल सरफेसेस, दोनों का एरिया ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आएगा जहाँ पे बोला है कि दो ऑब्जेक्ट्स आर पैरेलल सरफेसेस, देन वहाँ पे क्या लेना आपको, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, फैक्टर 1। इफ द स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इवैक्यूएटेड, ओके सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर इनके बीच में क्लियरली मेंशन किया कि वहां पे वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड है, तो वहां पे स्पेस का रेजिस्टेंस क्या आएगा, 0। तो वहां पे स्पेस का रेजिस्टेंस क्या आएगा, 0, क्योंकि वहां पे तो वैक्यूम है। तो ऐसे केस में 1/FA मींस ये वाला टर्म, ओके ये वाला टर्म क्या रहेगा, 0। गॉट इट। और नेक्स्ट, इफ एप्सिलॉन ऑफ एनी बॉडी इज नॉट गिवन, सपोज यहाँ पे इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन 2 दिया ही नहीं है, तो ये लेना ही नहीं है। ओके अगर एप्सिलॉन दिया नहीं है तो रेजिस्टेंस लेना ही नहीं है, वहां पे कोई एजम्पशन की जरूरत नहीं है। ओके कोई लाड़ प्यार की जरूरत नहीं, वहां पे सीधा उसको क्या कर दो, 0। तो उतना आसान होगा आपको सॉल्व करने के लिए, गॉट इट। तो सबसे पहले हमने क्या कंडीशन देखा था, अगर ऑब्जेक्ट नंबर 1 इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो रेशियो 0 लेना है। इफ द टू सर्फेसेज आर पैरेलल, देन A1 अपॉन A2 क्या लेना है, 1 लेना है। अगर स्पेस वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड है, तो 1 अपॉन FA रेजिस्टेंस क्या लेना है आपको, 0 लेना है। और नेक्स्ट, इफ द एप्सिलॉन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, देन नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस। ये तो टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन हो गए। टाइप नंबर 2 जहाँ पे मेंशन किया, क्या जाता है कि शील्ड इज गिवन बिटवीन टू पैरेलल सरफेसेस, शील्ड इज जस्ट लाइक अ कर्टन, वो क्या करेगा, जो रेडिएशन हो रहा है उसको वो कंट्रोल करेगा। ओके इट जस्ट लाइक अ कर्टन, दो पैरेलल सरफेस के बीच में वो क्या करेगा, उस रेजिस्टेंस को, सॉरी उस हीट को वो क्या करेगा,
रेडिएशन को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। ओके तो वो काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। ओके तो बिकॉज ऑफ शील्ड वहां पे दो पार्ट हो गए स्पेस के, तो सरफेस के रेजिस्टेंस दो है R1 R5, और फिर स्पेस के दो रेजिस्टेंस हो गए R2 R4, एंड शील्ड का एक रेजिस्टेंस R3। तो टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए? R5। तो R1 R5 दैट इज द सरफेस रेजिस्टेंस, R2 R4 दैट इज द स्पेस रेजिस्टेंस, R3 दैट इज द शील्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा T1:4 माइनस T2:4। ओके तो सबसे पहले सरफेस का रेजिस्टेंस, तो सरफेस का रेजिस्टेंस 1 माइनस एप्सिलॉन 1 A1 एप्सिलॉन 1, फिर लास्ट वाले सरफेस का रेजिस्टेंस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 A2 एप्सिलॉन 2। ओके ये तो आपको समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पे स्पेस कितना है? दो है। ओके इसलिए ट्वाइस ट्वाइस F12S A1, या तो फिर आप ये भी यूज कर सकते हो F, सपोज यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ 1 to S की, 1 to S, दिस इज वन एंड दिस इज शील्ड, तो 1 to S, और कहाँ से निकला था? A1 से निकला था। तो या तो फिर आप दूसरा काम कर सकते हो कि आप H2 भी ले सकते हो। कोई बच्चा क्या करेगा यहाँ पे, F S 2, और कहाँ से निकला था? सरफेस AS से निकला था। तो ये भी हो सकता है, और ट्वाइस इसलिए क्योंकि ये सेम स्पेस है, वो क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है बिकॉज ऑफ शील्ड। ओके नेक्स्ट, अभी यहाँ पे शील्ड भी है, वो भी क्या करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके तो शील्ड का रेजिस्टेंस है, तो वो उसका काम है कि T1 से आने वाली हीट को रोकना, T1 से आने वाली हीट को क्या करना है? रेजिस्ट करना है। एट द सेम टाइम T2 से आने वाली हीट को भी क्या करना है? रेजिस्ट करना है। गॉट इट? सो यहाँ पे शील्ड का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ट्वाइस है, शील्ड का जो रेजिस्टेंस एरिया वो ट्वाइस है, तो ट्वाइस 1 माइनस एप्सिलॉन S डिवाइड बाय एप्सिलॉन S AS। ओके क्योंकि वहां पे दोनों तरफ से शील्ड क्या कर रही है? हीट को रेजिस्ट कर रही है, तो दैट्स व्हाई ट्वाइस। सपोज इफ आई यूज N शील्ड्स, तो मेरे फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस होंगे? तो सिग्मा T1:4 माइनस T2:4, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 A1 एप्सिलॉन, ये तो सेम रहेगा। ओके रही बात स्पेस की, यहाँ पे मैं एक शील्ड यूज करता हूँ तो स्पेस वहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे दो शील्ड यूज करूंगा तो वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे दो शील्ड, एक और शील्ड यूज करता हूँ, देन व्हाट विल हैपन? देखते हैं। ओके सपोज यहाँ पे एक और शील्ड है, तो स्पेस कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 1 2 3। ओके दो शील्ड यूज किया तो स्पेस 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देयरफॉर n+1 n+3। अगर मैं यहाँ पे 2 यूज करता हूँ, दो शील्ड यूज करता हूँ, तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा स्पेस। ओके नेक्स्ट ट्वाइस n, 1 माइनस n, ट्वाइस n इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ पे दो शील्ड है, तो उसके सरफेस एरिया कितने अवेलेबल है? 4 आगे पीछे। सो ट्वाइस n मीन्स क्या आ गया यहाँ पे? 4, 1 माइनस एप्सिलॉन S AS एप्सिलॉन S। तो ये का फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा n नंबर ऑफ शील्ड के लिए। सो बेटर होगा कि इसको लिखो, इसको बनाओ, और फिर इसको यूज करके आप n नंबर ऑफ शील्ड का फॉर्मूला बनाओ। ओके रिमेम्बर यहाँ पे n प्लस वन है, तो यहाँ पे शील्ड में ट्वाइस n है। नेक्स्ट स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, तो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर नहीं दिए होंगे, गिवन नहीं होगी, तो फिर ये यूज करें 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेश टू 4। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है क्योंकि सिग्मा वी इज इक्वल टू, सॉरी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा AT⁴, T⁴ था इसलिए केल्विन रेश टू 4 है, सो डोंट फॉरगेट इट। ओके और कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन है जो देखना है, जैसे कि मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो डेरिवेशन फॉर द हीट ट्रांसफर बिटवीन टू पैरेलल प्लेट सरफेस कंसीडरिंग द शील्ड बिटवीन देम,
तो वो फॉर्मूला आया कहाँ से था? तो वो यहाँ से आया था। सपोज दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक शील्ड है, तो आपको क्या करना है? तो वही जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था, सिग्मा T1:4, T2:4, 1 - ε1, ये तो सरफेस 1 का, ये सरफेस 2 का, और फिर यहाँ पे वो फॉर्मूला एक्चुअली आया कहाँ था? सो उसका प्रीवियस स्टेप है ये, 1/F S1 to A1, S1 to, ठीक, F S1, दिस इज अ रॉन्ग रिटर्न, F1 to H चाहिए, ओके, सो 1 to S और A1, एंड दिस इज अ 1। सिमिलरली दूसरे स्पेस का यहाँ से H2 to F S2 AS, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया रेजिस्टेंस। और रही बात शील्ड का, ट्वाइस 1 - ε S ε S, तो फाइनली उन्होंने क्या किया, बाय द रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम, वो क्या है, सेम है, बाय रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम वो सेम है, सो उसको क्या करना है, ट्वाइस। सो यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज इन द स्टेप्स, F1 to S A1 F H2 to AS, बाय रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम वो क्या है, सेम है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस। सो ट्वाइस F1 to S A1, और बाय द वे वो क्या आते हैं, सेम है। एंड फाइनली आपको क्या करना है, A1 को कॉमन लेना है, तो जहाँ पे A1 नहीं है जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय A1 करना है। सो फाइनली यू गेट दिस फॉर्मूला, ओके। सो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट एक और थ्योरी है, ये एक डेरिवेशन, डेरिवेशन इक्वेशन फॉर द शेप फैक्टर ऑफ एनी स्फेरिकल कैविटी ओवर अ फ्लैट प्लेट। तो ये क्वेश्चन 2-4 बार आपके जा चुका है, जहाँ पे बोला है कि डिराइव द इक्वेशन फॉर द शेप फैक्टर, एनी स्फेरिकल कैविटी, एनी स्फेरिकल कैविटी ओवर अ फ्लैट प्लेट, और फ्लैट प्लेट है, तो कोई बच्चा अगर उसको ऐसे ड्रॉ करता है तो भी चलेगा, मतलब वहां पे हेमिस्फेरिकल है तो उसके ऊपर एक प्लेट भी है। यहाँ पे देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज हेमिस्फेरिकल एंड सेकंड वन इज अ डिस्क, फ्लैट प्लेट। तो यहाँ पे बाय शेप फैक्टर दो ऑब्जेक्ट है, तो F11 + F12 = 1, ये हमने देखा है। सिमिलरली F21 + F22 = 1, क्योंकि ऑब्जेक्ट वन खुद के साथ भी क्या करेगा, हीट रेडिएट करेगा, और वो क्या कर सकता है, बॉडी नंबर टू के साथ भी हीट रेडिएट कर सकता है। तो F11 + F12 = 1, ओके, सो 1 to 1 एंड F12, तो दोनों का एडिशन 100% होगा, 1/1। सिमिलरली ऑब्जेक्ट नंबर टू भी क्या करेगा, हीट एक्सचेंज करेगा, हो सकता है वहां पे पॉसिबिलिटीज है। Therefore, F21 + F22 = 1. Okay. Next, यहाँ पे एक ट्रिक है। Here, object 2 cannot see itself. Means, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। फ्लैट सरफेस कभी भी खुद का खुद के साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता। ये जो हेमिस्फेरिकल है, यहाँ पे चांसेस है, हेमिस्फेरिकल में चांसेस है कि हीट रेडिएशन हो सकता है कि खुद के ऑब्जेक्ट के साथ भी हीट एक्सचेंज होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट टू का कोई चांस नहीं बन सकता कि वो खुद के साथ हीट एक्सचेंज करे, ओके। सो उसको याद रखने के लिए बेटर होगा कि ऑब्जेक्ट टू कांट सी इटसेल्फ, वो खुद को खुद से देख नहीं सकता। सो F22 क्या रहेगा, 0, F22 क्या रहेगा, 0। सो ये याद रखने के लिए बेटर होगा, ऑब्जेक्ट नंबर टू कैनॉट सी इटसेल्फ, तो ये F22 जीरो हो गया, तो बचा क्या, F21 = 1, F21 = 1। बाय रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम हमने देखा है, F12 कहाँ से निकला था, A1 से, = F21 और कहाँ से निकला था, A2 से, ओके। तो फाइनली रेसिप्रोकल है, इसको इन्वर्स कर दो, बचेगा क्या, F12 A1 = F21 A2,
ओके, बट हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट नंबर वन की बात कर रहे हैं, तो हेमिस्फेरिकल का एरिया क्या आएगा? स्पीयर का एरिया क्या आता है? 4 pi r², तो हेमिस्फेरिकल का एरिया क्या आएगा? 2 pi r². और डिस्क का, फ्लैट प्लेट का सरफेस एरिया क्या आएगा? 5 r². तो फाइनली पाई पाई विल गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या? F12 इज इक्वल टू हाफ, दैट इज 0.5। अगर F12 इज 0.5 देन F11 भी क्या बनेगा? 0.5, तभी जाके उसका एडिशन क्या होगा? 1 आएगा। सो F12 टू 0.5, F11 इज 0.5। फाइनली आपको ये सारे वैल्यूज पता चल गए, F11 कितना है? 0.5, F12 कितना है? 0.5। अगर F12 0.5 है तो F21 भी क्या रहेगा? 0.5 रहेगा, और F22 क्या है? 0 है। तो सारे शेप फैक्टर हमने क्या करते हैं? फाइंड आउट कर दिया। ओके, नेक्स्ट फाइंड अ शेप फैक्टर फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे 3 आएंगे शेप फैक्टर, F11 F12 प्लस F13 इज इक्वल टू 1, सिमिलरली F21 प्लस F22 प्लस F23 इज इक्वल टू 1, सिमिलरली F31 प्लस F32 प्लस F33 इज इक्वल टू 1। ओके, बट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको समझ जाना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 हो या 2 हो या 3 हो, दे कैन नॉट सी इटसेल्फ। तो यहाँ पे 11, F22, F33 क्या बन जाएंगे? 0, बिकॉज दे कैन नॉट सी इटसेल्फ। तो बचेगा क्या? ओके, सो ये आपके पास जाएंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट बुक्स में, टेक्मैक्स में जाओगे तो काफी सिंपल से इन्होंने बोला है कि F122 भी क्या होता है? F21 होता है। F13 ही क्या होता है? F31 होता है। F23 क्या होता है? F32 होता है। ओके, सो वो ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। सो इन सबका मतलब वो क्या है, इनका वैल्यूज क्या रहेगा? 0.5। सो अगर ये अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे, यहाँ पे पुट इक्वेशन ए इन 5, सो F12 प्लस F32, सो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बेटर है कि यहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे 1 2 का उल्टा करता तो 2 1, F13 का उल्टा करता तो 3 1, F23 का उल्टा करता तो 3 2। ओके, और वो दोनों भी क्या है? ट्वाइस हो जाएगा। इट मीन्स अगर मुझे 1 देना है तो यहाँ पे ये भी क्या होगा? 0.5, ये भी क्या होगा? 0.5, तब जाके दोनों का एडिशन बनेगा 1। तो यहाँ पे तो आपका आंसर्स पता हो गया, क्योंकि डेरिवेशन हर बार रिपीट होता है, तो आपको सीधा बाहर ही करके जाना है। यहाँ के सारे जो शेप फैक्टर है वो क्या है? डबल है। F32 या हो या फिर 23 हो, वो 0.5 है, ये भी 0.5 है, 0.5 है। ओके, सो इसके डेरिवेशन भी काफी सिंपल है, जैसे कि ट्रायंगल में देखा हमने वो 0.5 था, और ऊपर के हेमिस्फेरिकल में देखा 2 2 सिर्फ 0 था, बाकी सारे क्या थे? 0.5 0.5, और F21 क्या था? 1 था। तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ गाइज। आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोज बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोज भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है
सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।